हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हम लोग कैडियो वर्ल्ड चैनल पर। हम लोग रेशन नंबर का पाठ कर रहे हैं। इसके पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशन नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग डिवीजन ऑफ रेशन नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। ये जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये क्लास जो है 6, 7, 8, 9 और 10th के भी स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर रेशन नंबर जो है आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आगे जितने भी फ्रैक्शन के या रेशनल नंबर के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के क्वेश्चंस आएंगे या प्रयोग होंगे कहीं इक्वेशन में, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप लोग कहीं भी फंसेंगे नहीं, उसको निश्चित रूप से आराम से बना पाएंगे। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग होमवर्क बना करके और सबमिट भी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने सारा सबमिट कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आधे होमवर्क आए हैं, आधे सबमिट नहीं हो पाए हैं किसी कारण से। तो आप लोग एक दिन और समय लेकर के कल तक सारे होमवर्क को निश्चित रूप से सबमिट कर दीजिए, चाहे वो साइंस का हो या इस चैप्टर के यहां तक के होमवर्क हो। दूसरी बात है, आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हैं उन नोट्स की भी एक फोटो लेकर के यहां तक सिलसिलेवार ढंग से, चलिए कंप्लीट हो जाए चैप्टर तो मुझे निश्चित रूप से आप लोग सेंड कर दे उसी व्हाट्सएप ग्रुप में। और साइंस के जो नोट्स की बात मैंने कही थी केमिकल इफेक्ट की, वो और उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग निश्चित रूप से जल्द उसको सेंड कर दे व्हाट्सएप नोट पर। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इसका डिवीजन की प्रॉपर्टीज। हम लोग जान रहे हैं कि चार फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, या ऑपरेशंस अगर कहा जाए, चार फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इसमें से हम लोग एडिशन पढ़ चुके, सब्ट्रैक्शन भी हो गया था, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया है, बचा है डिवीजन। तो आइए आज डिवीजन कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है डिवीजन की, इसको समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो रेशनल नंबर में होल्ड करती है फॉर डिवीजन, डिवीजन की बात हो रही है यहां पर, कि यदि a बाय बी और c बाय डी कोई दो रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है रेशनल नंबर क्या होता है, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमेटर क्या हो, बोलिए साइड चैट में बताइए, न्यूमरेटर और डिनोमेटर क्या होगा, बिल्कुल इंटीजर होगा, और डिनोमिनेटर यानी कि बी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बहुत सही। तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा a बाय बी। तो अगर a बाय बी और c बाय डी दोनों ही कोई दो रेशनल नंबर हैं और इस तरह से हैं कि एक संख्या c बाय डी जो है ये जीरो के बराबर नहीं है, तो a बाय बी डिवाइड बाय c बाय डी जो होगा वह भी एक रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है, यदि दो संख्याएं रेशनल नंबर हैं और एक का दूसरे से डिवीजन हो रहा है लेकिन दूसरा संख्या नॉन जीरो होना चाहिए, तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वह भी एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आप लोग अपना अटेंडेंस भी दे दें वहां पर, अपना नाम और क्लास लिख करके। आइए अब प्रॉपर्टीज देखते हैं वन का क्या है जो होल्ड करता है डिवीजन के लिए। यदि किसी रैशनल नंबर को हम लोग वन से डिवाइड करेंगे तो उस रैशनल नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो जैसा पहले था वो वैसा ही रह जाएगा। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। और लास्ट प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है फॉर एवरी जीरो रेशनल नंबर, यदि कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बाय बी डिवाइडेड बाय ए बाय बी, यानी कि अगर दो नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं और एक को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं जो कि दोनों नंबर सेम ही हैं, तो उनका जो डिवीजन होगा वो वन होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, टू है, अगर उसको टू से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन में वन ही मिलता है, रिजल्ट वन ही मिलता है। तो अगर a बाय बी कोई नॉन जीरो संख्या है, रेशनल नंबर है, उसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे a बाय बी से, तो रिजल्ट हमारा वन ही मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। आइए एक इसमें समझते हैं बात क्या, कि अगर a बाय बी और c बाय डी दो रेशनल नंबर हैं, दो रेशनल नंबर है, तीसरी के बाद चौथी प्रॉपर्टी है कि यदि a बाय बी और c बाय डी दो रेशनल नंबर हैं इस तरह से कि c बाय डी नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, पूरे रेशनल नंबर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि यदि a बाय बी में हम लोग c बाय डी से डिवाइड कर रहे हैं, a बाय बी में c बाय डी से डिवाइड कर रहे हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, अगर ये डिवाइड का साइन को हटा के हम मल्टीप्लाई के साइन में बदलते हैं तो यह संख्या यानी इसके बाद वाली डिवाइड के बाद, डिवीजन के बाद वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी सी बाय डी का रेसिप्रोकल डी बाय सी हो जाएगा और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ आ जाता है। तो हम लोग निश्चित रूप से इसको आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2/3 डिवाइडेड बाय कुछ भी मान लीजिए 6/9
9 मान लीजिए, अगर 2 बाय 3 को हम डिवाइड करें 6 अपॉन 9 से, तो इस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करें तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे आ जाएगा, तो ये 9 अपॉन 6 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लीकेशन के साथ, अगर कोई कट हो रहा है इसे 2 से, 3 3 आर 9 और 2 से 3 टाइम्स में 6 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है 9 2 आर 18 हो जाएगा और अपॉन में 6 3 आर 18 हो जाएगा, 18 से 18 1 टाइम्स में कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये सॉल्व करने का तरीका हुआ इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को करके। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई रेशनल नंबर a अपॉन b, यही रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड करने किसे, इस c बाय d से, तो a बाय d जो होगा इसको हम लोग डिविडेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिविडेंड। क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए यस। अगर आप लोग सभी समझ में आ रहा है यस तो लिखिए चैट बॉक्स में। जब a बाय b को हम लोग डिवाइड करते हैं c अपॉन d से, तो क्या होता है, a बाय b जो होता है यानी पहली संख्या, वो होती है डिविडेंड, और c अपॉन d जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, यानी जिससे भाग लगा रहे हैं ये डिवाइजर होगा। क्लियर है? पहली संख्या है डिविडेंड, सेकेंड संख्या है डिवाइजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट होता है क्वोशेंट। ये जो रिजल्ट हमारा आया वन, यहां पर वन आया, ये क्या हो जाएगा? क्वोशेंट, ये क्वोशेंट हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा क्या था? डिविडेंड, और ये क्या है? डिवाइजर। बहुत अच्छे, सब कुछ समझ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर बिल्कुल। अपना एक बार आप लोग नाम फेस लीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों को बने रहना है। सभी क्लास के स्टूडेंट इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखेंगे बिल्कुल। आइए, ये समझ गए आप लोग? आइए कुछ इस पे बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन कर देते हैं। निश्चित रूप से सारे तरह के क्वेश्चन अब आप लोगों से बन जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन। आइए, दो क्वेश्चन मैंने लिखा है सिंप्लीफाई में, और एक क्वेश्चन मैंने लिखा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये तीन तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद तीन और तरह के क्वेश्चन हैं, वो भी करा दूंगा, तो निश्चित रूप से आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है -1/10 इज डिवाइडेड बाय -8/5। तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, -1/10 डिवाइडेड बाय -8/5 प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग रेशनल नंबर की डिविजन को बदलेंगे मल्टीप्लीकेशन में, न्यूमरेटर के जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा -1/8 2 आर -16। क्लियर है? अब यहां हम लोग ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 1 हो जाएगा और यहां पर 16 2 1 ये 16 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/16। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? -12/7 × 1/18। चलिए आप लोग उसको जल्दी से सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर चैट बॉक्स में लिखें, फिर जो मैं लिखता हूं उसको और इसका आंसर जो मैं दूंगा उसको आप लोग निश्चित रूप से मिलाएंगे चैट बॉक्स में, और जिनका इनका सही होगा तो फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन सही बनाते हैं, कौन कौन समझ चुके हैं, इसको जल्दी बनाइए। मैं आपको एक मिनट का वक्त देता हूं, जल्दी कीजिए, सभी लोग बनाएंगे। इससे यह भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितने लोग अभी जो है अटेंटिव हैं और बने हुए हैं साथ में, ये आप लोग भी समझ जाएंगे, आपके दोस्त भी देख लेंगे। निश्चित रूप से मैं बीच बीच में इसी तरह से क्वेश्चंस देता रहूंगा और वेट करूंगा ताकि आप लोग बना के आंसर मुझे दें, ताकि यह आप लोग भी देखते जाएं कि कौन कौन हमारे साथ बना हुआ है, कौन कौन नहीं बना हुआ है। मैं तो देख लेता हूं एनालिटिक्स में, पर आप लोग भी साथ में देखना आप लोगों का जरूरी है। तो जल्दी बनाइए, आंसर दीजिए। चलिए, कुछ लोगों के तो आंसर आ रहे हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 3 से 3 6 आर 18, 3 4 आर 12, यहां से -4/42। क्लियर है? एक और कट जाता 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, ये भी हो जाता, तो यहां भी कैंसिल आउट हो सकता है, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। -2/21 इज द रिजल्टेंट आंसर। देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। यहां पर क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले गए मल्टीप्लिकेशन का साइन दे करके। बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने सही किया है। आइए अब यहां पर देखते हैं, कह रहा वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट हमें दे दिया गया है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, मैंने चुनकर के स्टेटमेंट इसलिए उठाया कि -8/9 को डिवाइड कर रहे -4/3 से
और माइनस फोर अपॉन थ्री को फिर अगेन डिवाइड कर रहे हैं माइनस एट अपॉन नाइन से। कहने का मतलब क्या है, ये चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं। याद कीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, अगर एडिशन की बात करें तो 2 + 3 = 3 + 2 यही था ना। क्रम को अगर बदल दिया जाए तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता था एडिशन में। तो हमें ये चेक करना है कि क्या डिवीजन में भी ऐसा होता है। थोड़ा चेक कर लेंगे इसमें क्या, आइए आइए देखते हैं। माइनस एट अपॉन नाइन एलएचएस आर लीजिए, पहले ये एलएचएस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, माइनस एट अपॉन नाइन डिवाइडेड बाय माइनस फोर अपॉन थ्री। इधर आरएचएस ले लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय माइनस एट अपॉन नाइन। आइए इसको सॉल्व कीजिएगा क्या होगा, माइनस एट अपॉन नाइन मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरेटर को डिनोमेटर की जगह, डिनोमेटर को न्यूमेरेटर की जगह, यहाँ पर माइनस फोर अपॉन थ्री और मल्टीप्लाई करेंगे नाइन अपॉन माइनस एट हो जाएगा। अब फोर टू जार एट हो जाएगा, थ्री थ्री जार नाइन हो जाएगा, ये आएगा माइनस टू अपॉन माइनस थ्री। फिर माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू अपॉन थ्री हो जाएगा। अगर यहां की बात करें फोर टू जार एट थ्री थ्री जार नाइन, माइनस थ्री अपॉन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर इट गिव्स थ्री अपॉन टू। अब आप बताइए क्या टू अपॉन थ्री और थ्री अपॉन टू इक्वल है क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में, क्या टू अपॉन थ्री और थ्री अपॉन टू इक्वल है। बिल्कुल नहीं, थ्री अपॉन टू दूसरी संख्या है, टू अपॉन थ्री दूसरी। ये हुआ टू का थ्री पार्ट और ये हुआ थ्री का टू पार्ट, ये ग्रेटर देन वन होगा जबकि ये लेस देन वन होगा, तो वैल्यू अलग अलग हो गए। तो सिंस एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? तो ये इतना आसान सवाल आप लोगों को मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया है, निश्चित रूप से आप लोग सभी समझ रहे हैं। चैट बॉक्स में बिल्कुल बताइए समझ रहे हैं आप लोग। आइए एक नया तरह का सवाल करते हैं, अलग रूप का। आइए देखते हैं ये दो तरह का सवाल किस तरह से बनेगा। ये कराने के बाद क्लास सेवन तक के जो बुक के क्वेश्चंस हैं ये सब आप लोगों से बन जाएंगे, इसमें से अधिक क्वेश्चन नहीं है। इसके आज मैं आप लोगों को जो इसका होमवर्क है वो सेवन क्लास के ग्रुप में डाल दूंगा, तो सेवन और सिक्स के स्टूडेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे, और क्लास एट के स्टूडेंट भी इस चैप्टर का मैं आज वन ई का डाल दूंगा क्वेश्चन, उसको आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके जस्ट बाद एक जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मैं फिर सेंड करूंगा आप लोगों को ग्रुप में, जिसको कि आप लोगों को सॉल्व करके उसके रिस्पॉन्सेज को वैसे ही सेम तरह से और रिस्पॉन्सेज को आपको मुझे सेंड करना है। वैसे तो मैं देख लेता हूँ रिस्पॉन्स, फिर भी आप लोग ग्रुप में सेंड करें, आप लोग के दोस्त भी देखेंगे आप लोगों का परफॉर्मेंस किस तरह से बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस नाइन, इफ वन ऑफ द नंबर इज माइनस ट्वेल्व फाइंड द अदर। दो संख्याओं या दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस नाइन है। सपोज करते हैं, अगर मान के चलते हैं, अगर पहला ए था दूसरा बी था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस नाइन है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ वन ऑफ द नंबर इज माइनस ट्वेल्व, तो ए या बी कोई भी अगर माइनस ट्वेल्व है, यानी आपको क्या निकालना है, यहां से बी निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया हमने, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट माइनस ट्वेल्व इज गिवन एज माइनस नाइन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों का। इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए यहां मल्टीप्लीकेशन है ना, तो अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें सेम इस संख्या से, तो यह संख्या क्या होगा, इससे डिवाइड होगा सेम इसी नंबर से, तो वन हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, हम लोग को वो वैल्यू मिल जाएगी जो हमको चाहिए। तो ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस ट्वेल्व बोथ साइड्स, मैं आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूं जो जिससे ये वर्क होता है। माइनस ट्वेल्व यहां डिवाइड कर देंगे किससे, माइनस ट्वेल्व से, यहां क्या हो जाएगा माइनस नाइन डिवाइड बाय माइनस ट्वेल्व। अब देखिए सेम संख्या के डिवीजन सेम संख्या से नॉन जीरो नंबर का कितना होगा, वन होगा, यानी x मल्टीप्लाइड बाय वन इज इक्वल टू माइनस नाइन। यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमेटर जो है अपने स्थान को बदल देंगे, यहां से x इज इक्वल टू नाइन, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री फोर सार ट्वेल्व, और माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन ऊपर और माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन नीचे कर देंगे, तो निगेटिव दोनों साइड से हट जाएगा, ये बच जाएगा थ्री अपॉन फोर, तो
हैंस द अदर नंबर इज 3/4। इस तरह से आप लोग इस तरह के सवाल को बना सकते हैं आराम से। एक इस तरह का सवाल देखिए क्या है, यहां कह रहा है कि इन दोनों के सम से इन दोनों के प्रोडक्ट में डिवाइड करना है, इन दोनों बाय द यानी इससे इसमें डिवाइड करना है। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ 13/5 एंड -12/7, क्या हो जाएगा 13/5 प्लस -12/7। चलिए सॉल्व किए तो आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, आंसर मेरे से पहले निकालिए और फिर उसको बताइए मुझे। चलिए निकाल रहे हैं, गुड। देखिए सबका आ रहा है इतना, सभी मिलाइए 31/35 सबका आ रहा है, मिलाइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, आप लोग मिलाकर चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए। क्लियर है? चलिए यहां क्या है, प्रोडक्ट लेना है हमको किसका किसका, -31/7 एंड 1/-2। आसान है, 31/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/-2, यहां से -1 और ये तो -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमको, माइनस माइनस ऊपर चेक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 31/14 हो, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन को क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 इसको डिवाइड करना है बाय प्रोडक्ट ऑफ, देखिए लैंग्वेज को समझ लीजिएगा आप लोग तो कठिनाई नहीं आएगी, अगर लैंग्वेज को नहीं समझिएगा तो कठिनाई आएगी। बाय कह रहा है ना, बाय मतलब इनसे डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 31/35 और ये डिवाइड कर देंगे 31/14 को, अब ये क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देंगे 31, यहाँ 31/31 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/35। It is the required answer of our question. 35 है, ठीक है, क्लियर है? चलिए चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? गुड, आइए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसको आप लोग निश्चित रूप से बना सकते हैं। मुझे लगता है यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसमें यह जो एक्सरसाइज था 1E का ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूँ, आप लोग उसको निश्चित तौर पर बनाएं, और इसको अगर वीडियो को देखने के बाद कहीं आप लोगों को कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्रीमियर खत्म होने के बाद दोबारा जाकर के आप लोग इस वीडियो को देखें। क्लास 8th के लिए 7th के लिए मैंने जो लाइट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है पहले से साइंस चैप्टर की, वो आप लोग निश्चित रूप से जाके देखिए, लाइट आपका वहां से वो क्लियर हो जाएगा, वो चैप्टर वहां मैंने पढ़ा दिया है, 9th, 10th, 8th, 7th ये पूरा उसको कवर कर लेता है, तो आप निश्चित रूप से वहां जाकर के उसको देखें। तो आज हम लोग इस सेशन को ही खत्म करते हैं, आप लोग फिर से एक बार अपना अपना नाम लिख करके अटेंडेंस अपना दे दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आ गए हैं क्लास 8th के लिए, क्लास 7th का यहाँ पर सारा चीज कंप्लीट हो गया, यहाँ तक क्लास 7th तक का जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सारे बन जाएंगे। 4th चैप्टर में जो रेशन नंबर है उसके क्वेश्चंस के पिक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग निश्चित रूप से उसको बना करके और मुझे रिवर्ट करेंगे। तो आज को ही समाप्त करते हैं सेशन को, थैंक यू। अगर आप लोगों को सब अच्छा लग रहा है, सब पढ़ने में मजा आ रहा है, कंटेंट देख रहे हैं तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके उसको पर्सनलाइज ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जो प्रीमियर का टाइम होगा वो आप लोगों को निश्चित रूप से पहले ही मालूम चल जाए जैसे आप यूट्यूब को ओपन करेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।